Hello students, so today we will study about skeletal muscles. अब जो skeletal muscles होते हैं उसके related हमने उनकी जो contraction की physiology है उसके बारे में पढ़ लिया है, right? कि हमारे पास जो muscle contraction है उसकी energy कहाँ से आती है, neuromuscular junction क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. इस lecture के अंदर we will study about the location and different muscles that are present in our body. अब हमने जब मसल्स के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी की जो फॉर्म है, अपीयरेंस है, उसके अंदर हेल्प कौन करता है? मसल्स, राइट? तो अब ये जो मसल्स है ये हमारे पास हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट है जो कि हमारे हमें हेल्प करते हैं. हमारे जो मीनियल मूवमेंट्स हैं, जितने भी हमारे पास मूवमेंट्स हैं, वो हमारे पास कौन हेल्प करता है? मसल्स, राइट? So, अभी जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है उसके अंदर 300 से ज्यादा मसल्स होते हैं. सो अभी ये जो मसल्स होते हैं, मसल्स हमारे पास बोन्स के साथ, कार्टिलेजेस के साथ, लिगामेंट्स के साथ, स्किन के साथ और दूसरे मसल्स के साथ भी जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ फाइबरस स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज टेंडन या फिर एपोन्यूरोसिस. So, क्या होता है हमारे पास? हमारी बॉडी को फॉर्म या स्ट्रक्चर देता है और मूवमेंट में हेल्प करता है मसल, राइट? अब ये जो मसल्स हैं, ये हमारे पास, अब मसल्स हमारे पास बोन्स से जुड़े होंगे, हमारे पास कार्टिलेजेस से जुड़े होंगे, स्किन से जुड़े होंगे, तभी हमारे पास फॉर्म को दे पाएंगे. अब ये जो हमारे पास जॉइनिंग होती है मसल्स की बोन के साथ, स्किन के साथ, कार्टिलेजेस के साथ, वो किसकी हेल्प से होती है? मसल्स की जो जॉइनिंग है वो हमारे पास होती है टेंडन्स या फिर एपोन्यूरोसिस से. सो किसके साथ होती है? टेंडन या फिर और एपोन्यूरोसिस. सो एपोन्यूरोसिस और टेंडन्स क्या है? टेंडन एंड एपोन्यूरोसिस आर द जॉइंट्स विच आर फाइब्रस इन नेचर विच हेल्प इन द जॉइनिंग ऑफ मसल्स टू बोन, कार्टिलेजेस और लिगामेंट्स और स्किन, राइट? सो अब जो ये टेंडन और एपोन्यूरोसिस है, ये हमारे पास, अगर हम टेंडन की बात करें तो टेंडन हमारे पास एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे पास जैसी केबल्स होती है हमारे पास वैसा सा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे पास वायर्स होती है, टेंडन का जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है. और हमारे पास जो एपोन्यूरोसिस है, एपोन्यूरोसिस हमारे पास फाइब्रस शीट होती है. सो ये हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है एपोन्यूरोसिस का, वो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है. अब जो हमारे मसल्स हैं, मसल्स हमारे पास, मसल्स के अंदर दो एरियाज होते हैं, हमारे पास दो एंड्स होते हैं, एक एंड होता है ओरिजिन और एक एंड होता है हमारे पास इंसर्शन. सो अगर कोई भी हमारे पास मसल है, लेट्स से दिस इज द मसल, राइट? अब मसल के अंदर हमारे पास दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट होगा ओरिजिन और एक पॉइंट होगा हमारे पास इंसर्शन. अब जो ओरिजिन और इंसर्शन है, इनकी हमारे पास क्या, हमारे पास सिग्निफिकेंस होती है कि ओरिजिन हमारे पास क्या, कौन सा पॉइंट होगा? जिस पॉइंट से हमारे पास मसल जो है वो ओरिजिनेट कर रहा होगा, वो हमारे पास पॉइंट क्या होगा? ओरिजिन. और जिस पॉइंट पे हमारे पास जो मसल है वो एंड हो रहा होगा, वो हमारे पास क्या होगा? इंसर्शन. अब हमारे पास, हम जब मसल्स की बात करते हैं, जब हम मसल्स की लोकेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास जो हमारा कोई भी मसल है वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है एंड वेयर इज इट इंसर्टेड इनटू, हमारे पास जो एंड है वो कहाँ पे हो रहा है. अब ये जो हमारे पास दोनों पॉइंट्स हैं, जो ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट होता है. और हमारे पास जो इंसर्शन पॉइंट होता है, इंसर्शन पॉइंट में हमारे पास मूवमेंट होती है. अब जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हमारी आर्म का मसल होता है, अब हमारे पास हमारी जो आर्म का मसल है वो हमारे पास स्कैपुला या फिर क्लेविकल बोन से जुड़ा हुआ होता है और वो हमारे पास
पास एक्सटेंड करते हैं हमारे एल्बो के जॉइंट तक। अभी हमारे पास जो मसल हमारी आर्म से हमारे एल्बो जॉइंट तक एक्सटेंड कर रहा है, उसकी जो मूवमेंट है वो हमारे पास इधर, हमारे पास स्टार्टिंग इनिशियली जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पे स्टेशनरी है, और हमारे पास मूवमेंट कहाँ पे हो रही है, इंसर्शन पॉइंट पे। सो दीज आर द पॉइंट्स इन ओरिजिन एंड इंसर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट मसल्स। सो सबसे पहले बात करते हैं फेस, नेक और हेड के मसल्स के बारे में। अब जो मसल्स हमारे पास फेस, हेड और नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्प के मसल्स के बारे में। स्कैल्प हमारे पास हमारा जो फोरहेड का एरिया है, हमारे पास जो एरिया हमारे पास कवर करता है हमारे, जहाँ पे हमारे पास हेयर्स हैं, ये जो एरिया है हमारे पास, ये क्या है, स्कैल्प। अब जो हमारा स्कैल्प, अगर आपको याद हो तो जब हमने स्केलेटल सिस्टम करा था तब हमने पढ़ा था कि हमारे जो स्कैल्प है इसके अंदर बोन्स होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। हमारे पास ऑसिपिटल बोन होती है, फ्रंटल बोन होती है। अब हमारे पास जो मसल्स स्कैल्प के ऊपर स्कैल्प में प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑसिपिटो फ्रंटालिस। स्कैल्प के ऊपर कौन सा, स्कैल्प में कौन सा मसल प्रेजेंट होता है हमारे पास, ऑसिपिटो फ्रंटालिस। अब ऑसिपिटो फ्रंटालिस का क्या मतलब है हमारे पास, कि हमारा जो ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल है उसके जो ओरिजिन है वो हमारे पास कहाँ से होता है, ऑसिपिटल बोन से होता है, और हमारे पास वो रन कहाँ तक करता है, फ्रंटल बोन तक रन करता है। और ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन करता है, ये हमारे पास ऑसिपिटल बेली होती है उसकी, और हमारे पास फ्रंटल बेली होती है। ऑसिपिटल बेली यानी कि जो हमारी ऑसिपिटल बोन है, जो कि हमारे जो हमारा स्कल है उसका जो हमारा हमारा जो एंडिंग पोर्शन है वहाँ पे ऑसिपिटल बोन है। ऑसिपिटल बोन से हमारे पास फ्रंटल बोन तक हमारा जो मसल है वो एक्सटेंड होता है, और हमारे पास अब ये जो मसल है ऑसिपिटो फ्रंटालिस दिस मसल। अब स्कैल्प का, हमारे पास स्कैल्प का जो मसल है उसका क्या फंक्शन होगा, हम जो ये मूवमेंट कर पाते हैं अपनी आईब्रोज की, हम आईब्रोज को रेज कर पाते हैं। हमारे पास अगर हम गुस्सा हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 लाइंस हमारे पास आ जाती है एंग्री। जितनी भी हमारे पास रिंकल्स चल सकती हैं स्कैल्प के ऊपर, हमारे पास फोरहेड के ऊपर, और रेज कर सकते हैं हम आईब्रो, ये हमारे पास किसकी वजह से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऑसिपिटो फ्रंटालिस नाम का मसल है। नेक्स्ट वी हैव जो हमारे पास फेस के, फेशियल एक्सप्रेशन के मसल्स हैं। अब फेशियल एक्सप्रेशन के कौन से मसल्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहले होता है हमारे पास ऑर्बिक्युलारिस और बाई। जो हमारे पास ये ऑर्बिक्युलारिस ऑक्युलाई हमारे पास मसल होता है, ऑर्बिक्युलारिस ऑक्युलाई हमारे पास जो मसल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी आई की सर्कुलर मूवमेंट के अंदर। हमारा जो ये सर्कुलर पोर्शन है आई का, यहाँ पे कौन सा मसल प्रेजेंट होता है, ऑर्बिक्युलारिस। तो लेट्स राइट इट डाउन, हमारे पास कौन से मसल्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा स्कैल्प का मसल विच वॉज ऑसिपिटो फ्रंटालिस। अब ऑसिपिटो फ्रंटालिस के तो नाम में आ रहा है हमारे पास क्या है, कि जो ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट होता है हमारा जो मसल है और फ्रंटल बोन तक जाता है। हमारे पास ऑसिपिटो फ्रंटालिस का फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन रेजिंग आवर आईब्रोज, एंड इट इज ड्यू टू दिस मसल वी आर एबल टू प्रोड्यूस रिंकल्स ऑन द फोरहेड, राइट। अब सेकेंड हमारे पास जो मसल है वो हमारे पास मसल है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए। अब फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो हमारे पास सबसे पहले मसल आता है, दैट इज ऑर्बिक्युलारिस ऑक्युलाई। अब ये जो ऑर्बिक्युलारिस ऑक्युलाई मसल होता है, ये हमारे पास सर्कुलर मसल है और ये अराउंड द आई प्रेजेंट होता है। जो हम अपनी आईलेड की मूवमेंट कर पाते हैं, हम अपनी आई को जो क्लोज कर पाते हैं, वो हमारे पास ऑर्बिक्युलारिस ऑक्युलाई मसल के कारण कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो मसल है, दैट इज ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस। जो ऑर्बिक्युलारिस ऑरिस, अब जो
लिप्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास, जो हम बोल पाते हैं या फिर हम अपना जो लिप्स के साथ हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन को चेंज कर पाते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस की वजह से। नेक्स्ट है हमारे पास बकिनेटर। जो ये बकिनेटर मसल है, ये हमारे पास जो हम हमारे पास चूइंग का जो प्रोसेस है, जो हम चबा सकते हैं खाने को, वो हमारे पास बकिनेटर मसल होता है, उसके हेल्प से होता है। नेक्स्ट वी हैव मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। मास्टिकेशन में हमारे पास क्या होता है, जो चूइंग का प्रोसेस है, जो चबाने का प्रोसेस है, उसको हम कहते हैं मास्टिकेशन। अब मास्टिकेशन के मसल्स हमारे पास कौन से हैं? वी हैव टेम्पोरल मसल्स और उसके अलावा वी हैव मेसेटर मसल्स। सो कौन से मसल्स हैं हमारे पास मास्टिकेशन के? टेम्पोरल मसल्स। अब जो टेम्पोरल मसल्स हैं, ये हमारे पास ओरिजिनेट करते हैं टेम्पोरल बोन से, और हमारे पास सेकंड जो मसल्स हैं, दैट आर मसेटर मसल्स। नेक्स्ट वी हैव मसल्स ऑफ नेक। अब हमारी जो नेक है, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो नेक के मसल्स होंगे, वो हमारे पास क्या फंक्शन होगा नेक के मसल्स का? जितनी भी हमारी नेक की मूवमेंट है, वो उसके अंदर कौन हेल्प करेगा? हमारे जो नेक के मसल्स है वो। अब इसके अंदर हमारे पास जो नेक के मसल्स होते हैं, ये हमारे पास ओरिजिनेट होते हैं हमारे स्कल से और हमारे ट्रंक तक जाते हैं। ओके, अब सबसे पहला जो हमारे पास मसल है, दैट इज प्लास्टिज्मा। सो जो हमारा प्लास्टिज्मा मसल है, नेक्स्ट जो मसल है, दैट इज प्लास्टिज्मा। और जो प्लास्टिज्मा मसल है, वो हमारे पास लोअर जॉ से स्टार्ट होता है प्लास्टिज्मा जो मसल है, वो हमारे पास लोअर जो से स्टार्ट होता है और हमारे पास एंड तक जाता है, हमारे पास चेस्ट तक जाता है। ये इसका काम क्या होता है? हमारे पास जो हमारा लोअर जो है, इसको डिप्रेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक का मसल है स्टर्नोमास्टॉइड। अब जो स्टर्नोमास्टॉइड मसल है, वो हमारे पास स्टर्नम से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास चेस्ट की बोन है, दैट हमारे पास वन ऑफ द बोन्स होती है स्टर्नम। अब स्टर्नम से स्टार्ट होता है और हमारे पास जो शोल्डर बोन है हमारी क्लाविकल, वहां तक जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास वी हैव स्टर्नो मास्टॉइड। स्टर्नोमास्टॉइड के अलावा हमारे पास ट्रेपेजियस मसल होता है। अब जो ट्रेपेजियस मसल होता है, ट्रेपेजियस मसल हमारे पास ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट होता है और हमारे पास वर्टिब्री जो हमारी स्पाइन है, वहां तक एक्सटेंड होता है। और हमारे पास जो ये मसल है, जो ट्रेपेजियस मसल है, मेजर मसल जो है नेक का, दैट इज ट्रेपेजियस। जो ये ट्रेपेजियस मसल है, ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑसिपिटल बोन फ्रॉम द स्कल, और वहां से स्टार्ट होके हमारे पास ये एक्सटेंड करता है हमारी जो हमारे पास जो वर्टिब्री है वहां तक, और वर्टिब्री के अंदर भी जो ये हमारे पास एक्सटेंशन होती है, वो हमारे पास इंसर्ट होके जाता है शोल्डर बोन से। और ये जो हमारे पास मसल है, ये हमारे पास वाइड एरिया कवर करता है, इसीलिए वन ऑफ द जो मेजर मसल्स है जो कि हमारे पास नेक की मूवमेंट को अलाउ करता है, दैट इज ट्रेपेजियस। उसके अलावा हमारे पास एक स्केलीन मसल है, ये भी हमारे पास नेक का मसल है। अब जो ये स्केलीन मसल है, ये हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? ये हमारे पास जो हमारी सर्विकल वर्टेब्री है, हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट वर्टेब्री है, हमारे पास सर्विकल वर्टेब्री, यहाँ से स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड करता है हमारे पास आगे आता है हमारे रिब्स तक। जो फर्स्ट टू रिब्स है, वहां तक हमारे पास कौन सा मसल जाता है? स्केलीन। सो जो हमारा स्कल है, हमारा जो स्कल है, दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय द नेक मसल्स। अब जो ये नेक मसल्स है, ये हमारे पास कौन से हैं?
प्लास्टिस्मा, प्लास्टिस्मा जो मसल है वो हमारे पास लोअर जो से एक्सटेंड होता है और हमारे पास चेस्ट तक जाता है। स्टर्नोमास्टॉइड जो मसल है वो हमारे पास स्टर्नम से एक्सटेंड होता है और हमारे पास क्लेविकल तक जाता है। ट्रेपेजियस जो मसल है वो हमारे पास ऑसिपिटल बोन से स्टार्ट होता है और हमारे पास वर्टिब्री के अंदर जाता है थ्रू द क्लेविकल। और उसके अलावा हमारे पास जो स्केलीन मसल है, स्केलीन मसल हमारे पास वर्टिब्री से स्टार्ट होता है और हमारे पास रिब्स तक जाता है। सो दीज आर द मसल्स ऑफ नेक। उसके अलावा हमारे पास जो हमारी शोल्डर की मूवमेंट होती है उसके अंदर कौन हेल्प, अब ये जो हमारे पास जो नेक के मसल्स है ये चारों मसल्स इकट्ठे मिलके हमारे पास हेल्प करते हैं नेक की मूवमेंट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास अब शोल्डर की जो हमारी मूवमेंट है, हम शोल्डर को मूव कर पाते हैं अप एंड डाउन, दैट इज ड्यू टू मसल्स ऑफ शोल्डर गर्डल। हमारा जो शोल्डर बोन्स है इसको हम टुगेदर हम इकट्ठा करके बोलते हैं शोल्डर गर्डल। अब शोल्डर गर्डल जो होता है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मसल्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल है जो हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होता है दैट इज डेल्टॉइड मसल। अब जो डेल्टॉइड मसल है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी हमारे पास इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगते हैं वो हमारे किस में लगते हैं, डेल्टॉइड मसल के अंदर। अब जो ये डेल्टॉइड मसल होता है ये हमारे पास स्कैपुला से ओरिजिनेट करता है। हमारा जो ये हमारी जो बोन है जो पीछे एक्सटेंड करती है स्कैपुला, स्कैपुला से हमारे पास एक्सटेंड होता है क्लेविकल तक और फिर हमारे पास जो ह्यूमरस बोन है हमारी जो आर्म की फर्स्ट बोन है वहाँ तक एक्सटेंड करता है। और हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है डेल्टॉइड मसल का, जो हमारी एबडक्शन होती है शोल्डर की, जो हम अपने शोल्डर को अपनी बॉडी से दूर तक हमारे पास एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका जो फंक्शन है वो है हमारे पास डेल्टॉइड मसल हेल्प करता है। सो नेक्स्ट मसल दैट इज डेल्टॉइड मसल। सो डेल्टॉइड मसल जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट मसल है, क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो हमारे पास डेल्टॉइड मसल के अंदर लगते हैं। जो हमारा एबडक्शन की मूवमेंट है हमारे पास, एबडक्शन की मूवमेंट क्या होती है हमारे पास मसल्स के अंदर वी हैव डिफरेंट मूवमेंट्स, ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर। अब हम हमारी अगर जो अगर हम अपनी जो आर्म है हमारी जो बाजू है अगर हम उसको अपनी बॉडी से दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है, दैट मूवमेंट इज नोन एज एबडक्शन। और जब हम अपनी आर्म को अपनी बॉडी के पास लेके आ रहे हैं दैट मूवमेंट इज नोन एज एडक्शन। सो हमारे पास दो वर्ड्स है एबडक्शन और एडक्शन, राइट। अब ऐसे ही हमारे पास एक्सटेंशन और फ्लेक्सन होता है। एक्सटेंशन हमारे पास जब हम एक्सटेंड करते हैं हमारा मसल और फ्लेक्सन होता है जब हम अपने मसल को बॉडी के पास ले आते हैं। उसके अलावा हमारे पास सुपाइन मूवमेंट होती है। सुपाइन होती है हमारे पास जब हम बॉडी को हमारी जो हमारा बॉडी पार्ट है या फिर हमारी जो बोन है हमारी जो एक्सट्रीमिटीज है जब हम उनको स्ट्रेट कर लेते हैं तब हमारे पास जो जो मूवमेंट होती है दैट इज सुपाइन। सो हमारे पास जो डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल का क्या काम होता है, हमारे पास जो एबडक्शन होती है शोल्डर गर्डल की उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो मसल है दैट इज सुप्रा स्पिनाकस। हमारे पास नेक्स्ट जो मसल है दैट इज सुप्रा स्पिनाकस। अब ये जो सुप्रा स्पिनाकस मसल है ये हमारे पास स्कैपुला से स्टार्ट होता है, स्कैपुला से स्टार्ट होता है और हमारे पास जाता कहां तक है, ह्यूमरस तक। अब जो हमारी ये ह्यूमरस की मूवमेंट है जो हम अपने आर्म को मूव कर पाते हैं ये जो हमारे पास मूवमेंट है ये किसके वजह से होती है, सुप्रा स्पिनाकस मसल की वजह से। उसके बाद हमारे पास है इंफ्रा स्पिनाकस। इंफ्रा स्पिनाकस मसल्स भी हमारे पास सेम स्कैपुला से ह्यूमरस तक प्रेजेंट होते हैं। अब जो हमारे पास इंफ्रा स्पिनाकस मसल है सुप्रास्पिनाकस जो मसल है ये हमारे पास हमारे जो सुपीरियर बॉडी है हमारे पास जो सुप्रास्पिनाकस मसल है
दिस इज प्रेजेंट अबव द सरफेस, सरफेस के पास प्रेजेंट होता है, और जो इंफ्रास्पिनाकस मसल है वो हमारे पास सरफेस के थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। अब हमारी जो एबडक्शन की मूवमेंट है, यानी कि हम जब ह्यूमरस को अपनी बॉडी से दूर करते हैं, इस मूवमेंट के अंदर हमारे पास सुप्रास्पिनाकस हेल्प करता है, और जब हम अपनी ह्यूमरस को वापस बॉडी के पास ले जाते हैं, इस मूवमेंट के अंदर हमारे पास इंफ्रास्पिनाकस जो मसल है वो वर्क करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है दैट इज सब स्कैप्युलरिस। अब जो सब स्कैप्युलरिस मसल है जो ये हमारे पास सब स्कैपुलरिस मसल होता है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है जो हम रोटेटरी मूवमेंट कर पाते हैं, हम अपने ह्यूमरस को हम रोटेट कर पाते हैं। अब ये जो हम रोटेट कर पा रहे हैं ये हमारे पास सब स्कैपुलरिस की वजह से कर पा रहे हैं। जो सब स्कैपुलरिस हमारे पास मसल होता है वो हमारे पास ह्यूमरस से स्कैपुला तक हमारे पास जॉइंट होता है। सो इसके बाद हमारे पास अपर लिम के मसल्स आते हैं। अब हमारे पास अपर जो लिम है हमारा, लिम क्या होता है हमारे पास, लिम हमारी जो आर्म्स होती हैं, लिम्स। सो लिम्स इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द आर्म्स एंड लेग्स, राइट। सो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो अपर लिम्स होते हैं और दो लोअर लिम्स होते हैं। अपर लिम्स क्या है, हमारे जो आर्म्स है ये हमारे पास क्या होती है, अपर लिम्स, और हमारी जो लोअर लिम्स है वो क्या है, जो हमारी लेग्स है वो हमारे पास लोअर लिम्स होती है, राइट। सो अपर लिम्स के अंदर अब जो हमने शोल्डर की मसल्स पढ़ी, शोल्डर की जो मसल्स हैं वो हमारे पास क्या क्या हेल्प करती है, हमारे पास शोल्डर की जो अब हमारे पास मूवमेंट होती है उसकी हेल्प, उसके अंदर हेल्प करती है। उसके अलावा हमारे पास ह्यूमरस की जो मूवमेंट है उसके अंदर हेल्प करती है, ह्यूमरस की जो हमारे पास एबडक्शन है, एडक्शन है और रोटेशन है, इनके अंदर हेल्प करती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल्स हैं, जो हम पूरी हमारे पास जो हमारी आर्म है पूरी की पूरी हम इसको मूव कर पाते हैं, इसमें कौन हेल्प करता है, हमारे पास जो मसल्स हैं अपर लिम के। अब हमारे पास आर्म के अंदर कौन से मसल्स हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास बाइसेप्स। सो बाइसेप्स जो हमारे पास मसल्स हैं, इनके नेम से क्लियर है हमारे पास कि बायरस के नेम के अंदर। अब जो बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स हमारे पास ऐसे मसल्स हैं जिनके दो हेड्स हैं, मतलब हमारे पास दो ओरिजिन्स हैं बाइसेप्स के। अब जो हमारे पास लॉन्ग हेड है वो हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी होती है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और जो हमारे पास शॉर्ट हेड है वो हमारे पास कॉर्कोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है। तो हमारी आर्म के अंदर वी हैव अ ग्लेनॉइड कैविटी, एक स्केल्टल मसल, जो अपने जब स्केल्टल सिस्टम पढ़ा था तो आपको याद होगा कि ग्लेनॉइड कैविटी होती है आर्म के अंदर, और हमारे पास कॉर्कोइड प्रोसेस होता है। अब हमारा जो बाइसेप है वो हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी और कॉर्कोइड प्रोसेस से स्टार्ट होता है, और हमारे पास ये जो हमारा जो बाइसेप है, बाइसेप का हमारे पास क्या फंक्शन होता है, जो हम अपनी फोर आर्म को कंप्लीटली स्ट्रेट कर पाते हैं इसके अंदर हमारे पास बाइसेप्स वर्क करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो रोटेशन होती है एल्बो जॉइंट की, उसके अंदर भी हमारे जो हम अभी यहाँ पे आप ह्यूमरस को जब रोटेट कर रहे हो तब हमारे पास कौन सा मसल वर्क कर रहा है, सब स्कैपुलरिस। जब आप अपनी एल्बो को रोटेट कर रहे हो तब आपके पास कौन सा मसल हेल्प कर रहा है, बाइसेप। हमारे पास बाइसेप्स यहाँ पे होते हैं, बाइसेप्स हमारे पास हेल्प करते हैं हमारी एल्बो जो जॉइंट है इसको मूव करने के लिए। और उसके अलावा हमारे पास शोल्डर की मूवमेंट के अंदर भी इसका रोल होता है बाइसेप। नेक्स्ट जो हमारे पास मसल है अपर लिम का दैट इज ब्रैकियालिस। अब जो ब्रैकियालिस मसल होता है वो हमारे पास बाइसेप्स के नीचे प्रेजेंट होता है, और हमारे पास ह्यूमरस से स्टार्ट होता है और अल्ना तक जाता है, और हमारे पास जो ये फ्लेक्सिंग मूवमेंट होता है हमारे पास एल्बो का उसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट मसल कौन सा है हमारे पास, ब्रैकियालिस। ब्रैकियालिस के अलावा हमारे पास और मसल्स होते हैं जो कि हमारे पास अपर लिम के अंदर, दैट इज ट्राइसेप्स। अब जो ट्राइसेप्स मसल्स हैं वो हमारे पास
हमारे पास तीन हेड्स हैं। अब जो हमारे पास हमारा जो ट्राइसेप है वो हमारे पास स्कैपुला से हमारे पास ओरिजिनेट होता है और हमारे पास ये अल्ना तक जाता है। सो हमारे पास जो ट्राइसेप है वो हमारे पास वन ऑफ द लॉन्गर मसल्स है। तो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्कैपुला एंड इट रन्स टिल द अल्ना। अब हमारे पास यहाँ पे ह्यूमरस बोन होती है, अपर जो हमारे लिम्ब है उसके अंदर हमारे पास जो नीचे हमारे पास अल्ना होती है। सो हमारे पास यहाँ पे दो बोन्स होती है। सो हमारे पास जो ट्राइसेप्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास जो हमारा शोल्डर पैर हमारे पास बोन है स्कैपुला, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास कहाँ तक जाते हैं? अल्ना बोन। सो ट्राइसेप्स हमारे पास वो मसल्स हैं जिनके हमारे पास तीन ओरिजिन होते हैं। सो हमारे पास जो हमने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर वी विल स्टडी अबाउट द बोन्स ऑफ द फोर आर्म, जो हमारे हमारी जो ये हैंड की मूवमेंट होती है इनके लिए जो मसल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।